हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल तिवारी एंटरप्राइजेस वंस अगेन। ये जो गाड़ी खड़ी है भैया वो XUV300 जो मॉडल रहने वाला है W4 रहेगा डीजल में। बाकी इस गाड़ी में जो काम स्टार्ट हो चुका है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो इस गाड़ी के काम स्टार्ट होगा भैया वो फॉग लैंप पे होगा। फॉग लैंप आप देखेंगे जेन्युइन महिंद्रा लगाने वाले हम लोग, जिसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूं एक बार खोल के। ये महिंद्रा की बैजिंग आपको दिख जाएगी इस फॉग लैंप के ऊपर, प्रॉपर जो जेन्युइन महिंद्रा होगा। इस गाड़ी में भैया हम खाली फॉग लैंप लगा लिए, डीएल भैया ने हटवा दिया है। ये इंटीरियर पार्ट पे आप जाएंगे तो गाड़ी के अंदर स्पीकर्स लग चुका है, जो कि इन्फिनिटी प्राइमस का कंपोनेंट आगे लगा रहे हैं हम। बाकी बैक साइड में आप देखोगे तो इन्फिनिटी का ही प्राइमस क्विकसिल लगने वाला है। बाकी सीट पूरी खुल चुकी है, फ्लोरिंग का काम अभी स्टार्ट होगा। सीट का काम स्टार्ट हो चुका है क्योंकि फुल बकेट लगने वाला है। बैक साइड में आप देखेंगे रिफ्लेक्टर्स रखा हुआ है, ये भी लगेगा, हो चुका है। एक बार मैं आपको एक बार फ्रंट लुक दिखा देता हूँ गाड़ी का। जो फ्रंट लुक रहेगा कुछ ये रहने वाला है, मैं आपको थोड़ा सा जूम दिखाऊं। फ्रंट पार्ट पे जो गाड़ी का काम होता है भैया, हेडलैम्प्स के अंदर मैंने लगाई थी HID लाइट। भैया ने बीच वाला डीएल नहीं लगवाया है, हमने जेन्युइन महिंद्रा इनको दिखाया था भैया को। बाकी जो फॉग लैंप लगाया भैया ने वो जेन्युइन महिंद्रा रहेगा, जिसके अंदर LED लगाया हुआ है। जब गाड़ी की लाइट हम स्टार्ट करते भैया तो गाड़ी का कुछ लुक लाइट ये रहने वाली है। गाड़ी की लाइट जो कि आप सामने देखेंगे XUV के यहाँ पे टायरों पे, गाड़ी का फेस अभी कुछ ऐसे रहेगा भैया, इसलिए आपको लाइट भी नीचे दिखाई दे रही है रोडों पे। बाकी लुक की मैं बात करूं तो ये गाड़ी का कुछ लुक रहेगा। इसके बाद भैया ने भैया हेडलाइट के अंदर एक DRL लगवाया था, जो कि फ्लोटिंग DRL होता है, जिसके अगर मैं इंडिकेटर आपको दिखा दूं तो ये कुछ गाड़ी का लुक रहने वाला है। अगर मैं आपको जूम करके दिखा दूं तो ये रहेगा गाड़ी की लाइटों के बाद जो गाड़ी में काम है भैया, इसके सीट कर पे हुआ है, जो इसकी लाइट सीट की लुक आप ये देख सकते हैं। गाड़ी का अगर मैं सीट कर आपको दिखा दूं तो कुछ नया डिजाइन देखने के लिए मिलेगा आपको आज। अगेन जो लेदर लाइट रहेगा वो इम्पोर्टेड लेदर रहेगा, जिसकी लाइफ टाइम की गारंटी रहेगी। अगर मैं आपको एक बार दिखा पाऊँ जूम करके तो प्रॉपरली आपको स्टिचिंग मिलेगा हर जगह। ये भी है ड्राइवर के अदर साइड की फिटिंग रहने वाली है, आप देखेंगे तो इसकी फिटिंग प्रॉपरली आपको दिखेगी डबल स्टिचिंग के साथ, कहीं कोई रिंकल नहीं दिखाई देगा आप लोगों को। बैक साइड वाले का भैया जो लुक रहेगा सीट कवर का ये रहेगा, मैं आपको दिखा दूँ सीट कवर की फिटिंग की प्रॉपरली आप फिटिंग देख सकते हैं। यहाँ से प्रॉपरली डबल स्टिच मिलेगा आपको हर जगह। इसके बाद जो गाड़ी में काम होता है इसके स्टीयरिंग कवर पे हुआ, जो देखेंगे आप OEM स्टीयरिंग कवर रहने वाला है। मैंने जेट ब्लैक ही करवाया भैया, इसके अंदर OEM स्टीयरिंग कवर की फिनिशिंग कुछ ये रहने वाली है। कट टू कट आप देख सकते हो होल्स के अंदर जाता है ये। इसके बाद एक स्टीयरिंग कंट्रोल जो कि हमने पूरा ये लगाया भैया, ये वाला पार्ट प्लस ये पूरा ये चेंज होके लगाया है। अगर आप देखेंगे सिस्टम के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज, बाकी मैं आपको भैया चेक जरूर कराऊंगा जब मैं आपको NCS में साउंड सुनाऊंगा। इसके बाद भैया गाड़ी के अंदर जो काम हुआ है वो फ्लोरिंग मैटिंग पे हुआ है, जो कि आप ये देखेंगे फ्लोरिंग मैटिंग के भैया बेनिफिट्स मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था, अगेन वही रहे बेनिफिट्स रहेगा आपको, पूरा एरिया कवर करेगा ये। इसके बाद अगेन भैया कंसोल आर्मरेस्ट हमने चेंज किया भैया के, जो कि जेन्युइन हमने लगाया महिंद्रा का, जिसकी फिटिंग प्रॉपर चेंज होती है भैया। पूरा आगे से लेके पीछे तक हमने कंसोल चेंज किया था भैया का पूरा, यहाँ से लेके अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा पाऊँ ये जो होता है पोजीशन, यहाँ से लेके हमने लास्ट तक पूरा कंसोल चेंज किया था जेन्युइन महिंद्रा। इस गाड़ी की जब मैं ऑडियो सेटअप की बात करता हूँ भैया तो हमने एक लगाया है एंड्रॉइड, जो कि ब्रांड रहेगा अगेन डैप्स का, जिसका फ्रंट लुक कुछ ये रहता है भैया डैप्स का एंड्रॉइड का। अगेन जो ये प्रॉपर रहेगा 2GB 16GB। इस गाड़ी में भैया ने अभी डैम्पिंग हाल फिलहाल में नहीं करवाई है, लेकिन इस गाड़ी की जो हमने स्पीकर्स लगाए बहुत अच्छी क्लासिकल स्पीकर्स लगाए, जो कि ब्रांड रहेगा इन्फिनिटी का। आगे हमने लगाया भैया इसके अंदर इन्फिनिटी कॉम्पोनेंट, पीछे हमने लगाया इन्फिनिटी के ही प्राइमस के क्विकसिल स्पीकर्स, और हमने आगे लगाए थे प्राइमस कॉम्पोनेंट स्पीकर्स, जिसकी मैं आपको आवाज अभी चेक करा देता हूँ। मैं आपको भैया NCS का कुछ साउंड सुना देता हूँ। ये भैया आप लोगों ने देखा NCS म्यूजिक के अंदर साउंड, गाड़ी का एक अच्छा साउंड है नो डाउट भैया। इसके बाद जो गाड़ी में काम हुआ भैया इसके एम्बिएंट लाइटिंग भी हुआ, जिसकी लाइट आप ये देखेंगे एक अच्छी खासी लाइट है भैया नो डाउट। फिर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, ये आप एम्बिएंट लाइटिंग की लाइट देख पाएंगे, अगर मेरे डोर वाले में भी देखते हैं ये वाला डोर पे लाइट ये रहेगी। बाकी मैं आपको बैक्स में दिखा दूं, बैक की लाइट ये रहने वाली है। अगेन भैया गाड़ी की जो हमने कैमरा लगाया था वो OEM कैमरा रहने वाला है, जिसकी कुछ फिनिशिंग ये रहेगी।
इसके बाद जो गाड़ी में काम हुआ भी है इसके स्क्वायर प्लेट्स पे हुआ, जो कि आप देखेंगे वेल कम्प्लीट एक्सयूवी 300 की बैजिंग के साथ। देन इसका भैया हैंडल क्रोम्स आप चारों डोर्स पे देख पाएंगे, हैंडल क्रोम साइड बिडिंग आप क्वालिटी आप देख पाएंगे। इसके बाद भैया डोर वाइजर भी है ना, इसके अंदर बिना क्रोम का ही पसंद किया डोर वाइजर लेना। देन इसका एक रूफ फील भैया, जिसके अंदर अगेन हमने सिलिकॉन पेस्टिंग लगवा के दिया भैया को रूफ फील। इसका स्पॉइलर, इसकी फिनिशिंग कुछ ये रहेगी, अगर मैं आपको इसकी फिनिशिंग चेक करा दो भैया बहुत टाइट है नो डाउट। के बाद जो गाड़ी में काम हुआ भैया इसके रिफ्लेक्टर्स पे रहेगा, जो कि आप देखेंगे अगेन मैट्रिक्स रिफ्लेक्टर रहने वाला है। बैक साइड से गाड़ी का कुछ लुक ये रहेगा भैया स्पॉइलर की लाइट के साथ। कैमरा जो अगेन रहेगा भैया वो अगेन OEM कैमरा ही रहेगा, मैं आपको इसकी फिनिशिंग दिखा चुका हूँ क्वालिटी। देन इसका एक लोगो क्रोम, ये वाला क्रोम मैंने लगाया इस गाड़ी के अंदर। देन इसका मड फ्लैप रिम ब्लैक करके भैया, इसका व्हील कवर भी ये वाला पसंद किया था। देन फ्लोरिंग की बात भैया, एक 70 मैट्स भी लगवाया इस गाड़ी के अंदर, जिसकी फिनिशिंग कुछ ये रहने वाली है। बैक साइड से अगेन भैया पार्शल ट्रे, जो कि जेन्युइन महिंद्रा रहने वाला है पार्शल ट्रे। एट द एंड भैया इस गाड़ी के अंदर एक सेंटर लॉक लगा के दिया, जिसकी फ्लिप की चाबी ये रहेगी, पीछे महिंद्रा का मोनोग्राम। अगर मैं गाड़ी लॉक कर देता हूँ तो गाड़ी प्रॉपर लॉक हो जाती है, अगर मैं गाड़ी अनलॉक कर दूं तो गाड़ी ये अनलॉक हो जाएगी। जो गाड़ी में काम होता है भैया सनग्लास होल्डर्स पे हुआ था, जिसकी फिनिशिंग कुछ ये रहने वाली है। अगर मैं आपको लाइट जला दूं तो ये भैया बहुत खासी अच्छी लाइट है, डोर्स का आप देखेंगे तो ये भैया लाइट रहने वाला है। जो गाड़ी के हमारे ऑनर है भैया, क्या नाम है अपना? पवन नाम भैया। आपका? सुमित नाम है भैया। आपका? अजय। गाड़ी कहाँ की भैया, दिल्ली की बाहर की है? दिल्ली की है, द्वारका। कितना टाइम लगा भैया गाड़ी के काम के अंदर? 3 घंटे लगे भाई, 3-3.5 घंटे। कितनी कॉस्टिंग आई भैया? 75,000 समथिंग आई। काम कैसा लगा भैया अभी तक? अच्छा भाई, काम जेन्युइन है अभी तक, और भाई बरतने के बाद बताऊं बाकी सारा काम तो अप्रोक्सीमेटली हुई है। फिटिंग प्रॉपर है, कोई वायर कटिंग नहीं है, सब काम बढ़िया है। ये आपने देखा भैया XUV300 का मॉडिफिकेशन भैया का, बाकी आपने फीडबैक भी सुन लिया है। अगर आपको गाड़ी का काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना भैया। बाकी किसी भी भाई को अपने गाड़ी का काम करवाना हो तो आप तिवारी कार एसेसरीज और तिवारी एंटरप्राइज पे आ सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर सारी डिटेल आपको नीचे मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉच, कीप सब्सक्राइब।